इंडियन बाइक ग्रैंडरी सिटी के अंदर अटैक कर दिया है दो जायंट येलो एंड ब्लू विलन्स ने। लेकिन ये आए कहां से और इनको जायंट किसने बनाया, जानेंगे आज की इस वाली वीडियो में। पूरी सिटी को खत्म कर देंगे, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। तो सुबह से यहाँ पर शोरूम को ओपन करके बैठा हूँ, लेकिन अभी तक तो यहाँ पर कोई यहाँ पर कस्टमर वगैरह भी नहीं आया। आज लगता है यहाँ पर कोई कस्टमर वगैरह नहीं आने वाला, तो मैं काम कर लेता हूँ, यहाँ पर शोरूम को बंद कर लेता हूँ। और मैं क्या ही कर सकता हूँ, शोरूम को तो बंद कर दूंगा लेकिन घर जाके करूंगा भी क्या। पहले मैं जल्दी से शोरूम को सही तरह से बंद कर लेता हूँ, उसके बाद में यहाँ पर सोचता हूँ घर जाके मैं करूंगा क्या। तो अभी ना यहाँ पर ये देखो कि मैंने पूरे के पूरे शोरूम को यहाँ पर बंद कर दिया और अभी यहाँ पर कोई भी अंदर नहीं जा पाएगा, क्योंकि मैं इसमें यहाँ पर अपने करंट लगा दिया है, यहाँ पर मैं करंट भी लगा दिया हूँ। मैंने शोरूम को बंद कर दिया और अभी मैं सोच रहा हूँ क्यों ना घर जाके मैं अपने दोस्तों के साथ फ्री फायर खेलूंगा। देखो बहुत दिनों के से मैंने यहाँ पर फ्री फायर को नहीं खेला, तो आज मैं सोच रहा हूँ क्यों ना अपनी फ्री फायर को खेल लिया जाए। आज मैं करूंगा अपने दोस्तों के साथ 1v1 एंड उसके साथ बहुत सारे टूर्नामेंट और मैचेस भी करूंगा। तो अभी फिलहाल मैं जल्दी से घर चलता हूँ और घर चलकर खेलते हैं अपनी फ्री फायर को। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम लोग ऐसे टुकुर टुकुर बैठकर क्यों देख रहे हो। यहाँ पर तुम लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब किया भी नहीं और टुकुर टुकुर देखते जा रहे हो, तो जल्दी से कर दो। तो फिलहाल मैं पहुंच चुका हूं अपने घर, यहाँ पर सामने ही मेरा घर है, तो मैं जल्दी से घर के अंदर चलता हूँ। और आज भाई काफी ज्यादा मजा आएगा क्योंकि अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर फ्री फायर खेलूंगा और काफी ज्यादा मजा आने वाला है। ऑलराइट गाइस, तो मैं पहुंच चुका हूं अपने घर पर और यहाँ पर आप देख ही सकते हो कि मेरी गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हुई हैं। लेकिन उससे पहले मैं जल्दी से अपनी KTM बाइक को साइड में खड़ा कर देता हूँ और उससे उतरने के बाद मैं तुम लोग को अपनी गाड़ियों का शो भी करके दिखा देता हूँ। पहले तो तुम लोग ये देखो मेरे पास लैम्बोर्गिनी टार्ज़न कार है, टैर्ज़ो कार, लैम्बोर्गिनी टैर्ज़ो, एंड उसके बाद तुम लोग ये देखो मेरे पास है लैम्बोर्गिनी टेज़ान GTR। मेरे ख्याल से अभी मैंने बहुत ही ज्यादा फ्लैक्स कर लिया और अभी मैं अंदर चलता हूँ और जल्दी से अपनी मोबाइल को निकाल के यहाँ पर मैं शुरुआत कर लेता हूँ अपने दोस्तों के साथ फ्री फायर खेलने की। मैं यहाँ पर फ्रेश होकर आ चुका हूँ और जल्दी से सोफे पे बैठ के अपने दोस्तों के साथ खेलूंगा फ्री फायर। लेकिन एक सेकंड, यहाँ पर तो डेटा ही नहीं चल रहा यार, इस वाईफाई को क्या हो गया। वाईफाई को भी अभी खराब होना था, यहाँ पर नो इंटरनेट कनेक्शन लगा पड़ा है, मतलब आज तो फ्री फायर खेल ही नहीं पाऊंगा। हट यार, आज तो यार सारा का सारा मूड ही खराब हो गया यार, डेटा ही नहीं चल रहा, तो आज मैं क्या करूंगा घर पे फालतू बैठ के। लेकिन यार एक सेकंड, ये आवाजें अजीब अजीब सी कहां से आ रही है, ये सुनो ये कहां से आवाजें आ रही है। ये तो मेरे ख्याल से फ्री फायर वाले ब्लू एंड येलो वहां पर विलेंस की है। लेकिन मैंने तो अभी तक यहाँ पर फ्री फायर को ओपन भी नहीं किया था, उसके साथ तो डेटा भी नहीं चल रहा था, मैं अपने मोबाइल को तो वही टेबल पर रख के आया हूँ। आखिर ये आवाजें आ कहां से रही है, यहाँ पर तो मोबाइल भी बंद पड़ी है। लेकिन एक सेकंड, ये तो ब्लू एंड येलो विलन्स है, ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये तो मोबाइल से बाहर निकल चुके हैं। एंड ये कैसे हुआ, ये क्या हो रहा है भाई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, भाई ये तो मुझे मारने लगे भाई, मुझे छोड़ दो भाई, मैंने तुम लोगों को क्या बिगाड़ा है भाई, मुझे छोड़ दो भाई। अरे यार मुझे छोड़ दो, तुम लोग मुझे क्यों मार रहे हो भाई, अरे मत करो भाई, क्या कर रहे हो भाई, भाई क्यों मार रहे हो मुझे भाई, मैंने क्या किया। तो इन्होंने यार बहुत बुरे वाला मार दिया भाई, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है भाई, हड्डियां पसलियां एक कर दी भाई। लेकिन ये कहाँ चले गए, लेकिन यार मेरे को छोड़ो, ये क्रिमिनल्स यहाँ से कहाँ भाग गए। अबे भाई जब ये मुझे मार रहे थे तो ये यहीं पर खड़े हुए थे, लेकिन गए तो गए कहाँ, मुझे लगता है ये बेडरूम वाली साइड पे गए। जल्दी से मैं चेक करके आता हूँ, मैं भी वहीं पर खड़े होंगे ये, लेकिन यहीं पर भी नहीं बैठे हुए, ये गए तो गए कहाँ, मुझे बाहर चलकर चेक करना पड़ेगा। लेकिन एक सेकंड, ये मेरे फोन में मैसेज किस टाइप का आया है, ये तो एक वीडियो है और इसमें तो ये दोनों के दोनों क्रिमिनल्स तो यहाँ पर पुलिस स्टेशन पे खड़े हुए हैं। देखो तो सही, यहाँ पर कैसे आराम से बैठकर कॉफी पी रहे हैं। मुझे तो सबसे पहले इनको खत्म करना पड़ेगा यहाँ पर, वरना पुलिस मुझे कहेगी कि तुम्हारी वजह से यहाँ पर शहर के अंदर तबाही मच रही है। लेकिन ये मैं ऐसा होने नहीं दूंगा क्योंकि मैं जा रहा हूँ वाले यहाँ पर क्रिमिनल्स के पास अपनी गाड़ी में। लेकिन मेरी यहाँ पर गाड़ी कहाँ गई, लैम्बोर्गिनी टैर्ज़ो जो यहाँ पर खड़ी थी ब्लू कलर वाली। तो यार मुझे लगता है ये दोनों के दोनों क्रिमिनल्स मेरी लैम्बोर्गिनी टैर्ज़ो को लेके चले गए क्योंकि उनको ब्लू कलर पसंद आ गया। इसलिए मुझे यहाँ पर एक काम करना पड़ेगा, मुझे अपनी निसान GTR के अंदर बैठ के पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। आने के लिए तो मैं सबसे पहले तो यहाँ पर बाइक पर भी जा सकता हूँ, लेकिन मैं कार पे जाऊंगा क्योंकि कार पे बहुत ज्यादा सेफ्टी होती है। इसलिए अभी फिलहाल मैं अपनी कार से जा रहा हूँ सीधा पुलिस स्टेशन और वहाँ पर चलकर मैं उनको देखता हूँ यार, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा जाकर अपनी वाइफ फ्री फायर के अंदर वापस चले जाएं। एंड ये मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ पर गाड़ी ये
ऐसे क्यों खड़ी हुई है, एंड साइड में ये गाड़ियां यहाँ पर पड़ी हुई है भाई, ये तो कबाड़ी पड़ी हुई है, मतलब यहाँ पर इनका एक्सीडेंट हो चुका है। ये दोनों यहाँ पर मेरे ख्याल से क्रिमिनल से यहाँ पर तबाही मचाई होगी यार, मुझे जल्दी से इनको खत्म करना पड़ेगा वरना वो मेरी पूरी की पूरी सिटी को खत्म कर देंगे। तो जल्दी से मैं पुलिस स्टेशन के अंदर चलता हूँ और अंदर चलकर मैं उससे रिक्वेस्ट करता हूँ। मैं पुलिस स्टेशन पे पहुंच चुका हूँ और यहाँ पर ये पुलिस वालों को तो इसने मार दिया, यहाँ पर कोई भी पुलिस वाला नहीं है, मेरे ख्याल से उसको किडनैप करके लेके गए हैं ये दोनों। भाई जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ यहाँ से वो भाग के चले जा रहे हैं, यार ये आखिर हो क्या रहा है। लेकिन एक मिनट रुको, मेरे फोन में एक दूसरा वीडियो आया है मैसेज। लेकिन एक सेकंड, ये तो वही दोनों हैं और इन्होंने जो सिटी के अंदर तबाही कर दी, लेकिन ये जायंट कैसे बन गए भाई? अगर मैंने इनको नहीं रोका तो ये सिटी को तबाह कर देंगे और बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े वाले जायंट बन जाएंगे और मैं इनको रोक भी नहीं पाऊंगा। लेकिन मुझे अभी के बारे में सोचना चाहिए, अभी मैं इनको खत्म नहीं कर पा रहा तो मैं आगे इनको कैसे खत्म करूंगा? ये सब जाके मैं घर पे प्लान करूंगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर खड़ा रहा तो वो आकर मुझे भी खत्म कर सकते हैं। अगर मैं ही खत्म हो गया तो यहाँ पर सिटी को कौन बचाएगा? जल्दी से अपने घर पर चलता हूँ। जाहिर सी बात है, मुझे उनको खत्म करने के लिए तो जायंट बनना पड़ेगा। मुझे जायंट तो सिर्फ साइंटिस्ट और बाबा जी बना सकते हैं, तो साइंटिस्ट का तो मेरे पास नंबर नहीं है, लेकिन मेरे साथ कॉन्टेक्ट है बाबा जी का, क्यों ना मैं बाबा जी से बात करके से जायंट बनने की कोशिश करूं। चलो तो जल्दी से उनसे पूछ ही लेता हूं। अच्छा तो फिर ऐसा क्या, चलो ठीक है बाबा जी, मैं तुम लोग को बता देता हूं बाबा जी ने मुझे क्या कहा। बाबा जी ने मुझे कहा तुम्हारी सिटी के अंदर माउंटेन एरिया पे एक इंडिया एंड पाकिस्तान का फ्लैग है एंड उसके आगे बहुत ही बड़ा मेट्रो स्टेशन है, उसमें एक सीक्रेट कमरा है एंड उस वाले सीक्रेट कमरे को तुमको फाइंड करने, उसके बाद उसके अंदर तुम्हें मिलेगा एक इंजेक्शन जिसको तुम्हें उसको लेकर आना है और तुम्हें अपने आप में लगाना है, जिसके बाद तुम जायंट बन जाओगे। अगर अभी इनको खत्म करना है तो मुझे तो जायंट ही बनना पड़ेगा और जायंट बनने के लिए मुझे ये वाला मिशन तो करना ही पड़ेगा। ऑलराइट, सो बाबा जी ने जो फ्लैग कहे थे वो तो यहीं पर है एंड मेरे ख्याल से जो मेट्रो स्टेशन ना वो भी यहीं पर होगा, मुझे उसको ढूंढना पड़ेगा। तो फिलहाल तो यही इंडिया ने पाकिस्तान का फ्लैग है, यहाँ पर मुझे कहीं मेट्रो स्टेशन दिख ही नहीं रहा। रुको, सामने मुझे दिख गया वो वाला मेट्रो स्टेशन, मुझे अपनी गाड़ी को भगा के यहाँ पर पहुंचना पड़ेगा एंड ये रहा मेट्रो स्टेशन एंड आई होप कि यही मेट्रो स्टेशन है, जल्दी इसके अंदर चलता हूँ। ऑलराइट, तो सबसे पहले मुझे यहाँ से परमिशन लेके अंदर जाना पड़ेगा। ओके सर, तो मैं अंदर जा रहा हूँ। ओके, इन्होंने छोड़ दिया भाई, ये तो मेट्रो स्टेशन है, मैं अंदर जा सकता हूँ। अभी मेरे ख्याल से ये एक न्यू मेट्रो स्टेशन बना है, तो उसका अगर आपको लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो यहाँ पर ये तो आगे ऊपर रास्ता जा रहा है, मतलब मुझे ऊपर जाके यहाँ पर इस वाले ब्रिज को कम्प्लीट करना पड़ेगा। एंड भाई ये ब्रिज तो बहुत ही ज्यादा बड़ा था एंड फाइनली यहाँ पर ब्रिज को छोड़ो एंड मैं पहुंच चुका हूँ इस वाले मेट्रो स्टेशन के पास एंड आई थिंक तो यही मेट्रो स्टेशन है, मुझे यहाँ पर उतरना पड़ेगा। अभी मुझे जल्दी से वो वाला सीक्रेट रूम ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने देर कर दी ना तो मैंने समझो सब कुछ यहाँ पर अपनी सिटी को तबाह करवा दिया। अभी वो सीक्रेट रूम मुझे कहाँ पर मिलेगा मुझे ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से ये कहाँ पर, ये वाला मेट्रो स्टेशन का सीक्रेट रूम यार, आखिर कहाँ पर होगा ये सीक्रेट रूम यार? मेट्रो स्टेशन तो बहुत ही ज्यादा प्यारा है, लेकिन मुझे मेट्रो स्टेशन नहीं देखना यार, मुझे तो यहाँ पर सीक्रेट रूम को ढूंढना है। एंड भाई ये मेट्रो स्टेशन तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है भाई, मैं इसको यहाँ पर कहाँ पर ढूंढूंगा इस रूम को? भाई ये कहाँ पर रूम है यार? लेकिन एक सेकंड, सामने मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है ये एक दरवाजा है जो कि मुझे लेकर चलेगा उस वाले रूम के पास। दूर से देखने से कुछ भी नहीं होगा, मुझे उसके पास ही जाकर देखना पड़ेगा। तो ये मेरे ख्याल से उसी वाले रूम का दरवाजा है, जल्दी से मैं उस वाले रूम के अंदर एंटर करके इंजेक्शन को ले लेता हूँ। लेकिन एक सेकंड, ये क्या है यार, यहाँ पर तो रूम नहीं है, तो बाहर निकल के ना रास्ता है भाई, मेरे से गलतफहमी हो गई भाई। एंड अभी तो यहाँ पर कहाँ पर होगा, ये तो छोटी छोटी सी दुकानें हैं यार, कहाँ पर है ये वाला रूम भाई? मुझे इस बिल्कुल भी नहीं मिल रहा भाई, भाई भगवान करे यार मुझे ये वाला रूम मिल जाए वरना सिटी तबाह हो जाएगी। ऑलराइट, तो मेरे ख्याल से यही वाली एक गली है जो कि मुझे लेकर चलेगी, लेकिन इसका भी रास्ता बाहर जाता है यार, ये तो बिल्कुल ही खत्म यार, मैं कहाँ जाऊंगा यार अभी? आखिर ये रूम है तो है कहाँ पर यार, मुझे कुछ भी नहीं यार, आखिर ये है कहाँ पर रैम यहाँ पर, ये रूम है कहाँ पर यार? एक सेकंड, ये साइड में क्या है यार, ये पेड़ यहाँ पर ऐसे क्यों लगा हुआ है? अगर पेड़ लगा हुआ है तो यार इसके बीच में ये तो स्पेस नहीं होनी चाहिए, मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पर शक हो रहा है यार। यहाँ पर मेरे ख्याल से ये रास्ता छूटा हुआ है एंड अंदर तो कुछ कलरफुल दीवारें भी हैं एंड एक सेकंड, इसके अंदर जाने का तो रास्ता भी है। ओ नाइस यार, ये इसके अंदर तो मैं जा सकता हूँ थोड़ा सा साइड में एंड मैं अंदर एंटर हो चुका हूँ। मतलब देखो यार, इस वाले रूम को कहाँ पेड़ लगा के छुपा दिया गया था, मतलब अंदर कोई जा भी नहीं सकता। ऑलराइट, तो ये देखो भाई साहब, इतना कलरफुल कमरा और क्या ही तो रूम है भाई। अबे भाई मैं यहाँ पर ये क्या कर रहा हूँ यार, मुझे तो यहाँ पर इंजेक्शन को ढूंढना है। तो इंजेक्शन बाबा ने कहा था कि यहाँ पर किसी डस्टबिन के अंदर है, तो डस्टबिन तो मेरे ख्याल से यही ग्रीन वाली है
एंड उसके साइड में यहाँ पर दूसरी डस्टबिन पड़ी हुई है, उनमें तो नहीं होगा, आई थिंक सो इसमें नहीं होगा, इस डस्टबिनों में नहीं होगा क्योंकि वो तो बंद पड़ी हुई है और ये खुली हुई है। तो मेरे ख्याल से यही वाला इंजेक्शन है, देखो कितनी जोर से चमक रहा है, मतलब ये वाला एक जादू ही यहाँ पर है। एंड मैंने इसको ले लिया है और अभी मैं जल्दी से इसको लेकर चलता हूँ, मुझे इसको जल्दी से घर पर लेकर चलना है। घर पर लेकर चलने के बाद मुझे इसको अंदर अपने इंसर्ट करना है और उसके बाद मैं बन जाऊंगा जायंट फ्रैंकलिन। ऑलराइट, तो बिना देरी के मैं अपने घर पर पहुंच चुका हूँ और अभी मुझे जल्दी से अंदर चलना पड़ेगा और अंदर चल के मुझे उस वाले यहाँ पर इंजेक्शन को अंदर डालना पड़ेगा जिसके बाद मैं जायंट बन जाऊंगा। अभी मैं रिलैक्स होकर आराम से बेड पर बैठ जाता हूँ, उसके बाद मैं जल्दी से इंजेक्शन लगवा लेता हूँ। ऑलराइट, तो अभी मैंने इंजेक्शन को उठा लिया एंड ये इंजेक्शन देखो कैसे यहाँ पर जा, ओ भाई यार एक ओके, ऑलराइट भाई ओके, ऑलराइट तो अभी मैंने यहाँ पर इंजेक्शन को लगवा लिया है और अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं जायंट क्यों नहीं बना, मुझे लगता है बाहर चलना पड़ेगा, यहाँ पर घर है ना मेरे ख्याल से उसकी वजह से इंजेक्शन डर रहा है कि मैं भाई कैसे यहाँ पर जायंट बनूं। ऑलराइट, तो मैं घर से बाहर आ चुका हूँ लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं अभी तक जायंट क्यों नहीं बना यार, ये मुझे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा यार, मुझे हल्के पुल के चक्कर आ रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, हल्के पुल के चक्कर आ रहे हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा भाई, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरी नजर थोड़ी सी खराब हो रही है, समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। एंड अभी तो बहुत ज्यादा चक्कर आने लगे लेकिन ये मुझे क्या हो रहा है भाई, भाई मुझे क्या हो रहा है यार, मुझे कोई बचाओ भाई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, मैं मुझे कोई बचाओ भाई, मुझे कोई बचाओ यार, क्या हो रहा है। तो ये देखो मैं जायंट बन रहा हूँ, ओ वाह यार मैं अभी तो जायंट बन रहा हूँ भाई, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है भाई जायंट बन के। एंड भाई अभी ये क्रिमिनल्स के बच्चे मेरे से नहीं बचने वाले, इन्होंने मेरी सिटी को तबाह किया, मुझे मारने की कोशिश की, अभी नहीं बचेंगे ये। ये देखो यहाँ पर खड़े हुए हैं और ये देखो मेरी सिटी को कैसे तबाह कर रहे हैं, और ये देखो मैं आ चुका हूं, इनको अभी नहीं बचोगे तुम लोग भाई, तुम लोग मेरे से नहीं बचोगे, तुमने मुझे मारा सालो, तुम लोग की ऐसी की कैसी, तुम लोग ये लो, तुम लोगों ने मुझे मारा, तुम लोगों ने मुझे मारा ना मेरे घर के अंदर आके मुझको पीटने की कोशिश की, ये लो एक बहुत बड़ा पंच और तुम लोग खत्म। तुम लोग मुझे मारने वाले, अभी तुम लोग की बेस्ट, निकलो यहाँ से।